Hi guys, I welcome you all in this lecture series of class 9th mathematics. Today we are heading towards lecture number 9 of chapter number 1, that is number system. Okay, in previous video we have learned and saw some examples related to real numbers and their decimal expansions. And in this video we are solving the exercise 1.3. Okay, so aaj hum dekhenge exercise 1.3, iska pehla question. ये कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज. ओके, ये आई थिंक दैट यू हैव क्लियर्ड ऑल योर डाउट रिलेटेड टू द डेसिमल एक्सपेंशन. ओके, सो ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा. 36/100 आपको डिवाइड भी करना आता है, आप ऐसे भी कर सकते हो. जब आप यहाँ पर पॉइंट हटा के दो जीरो नीचे ला सकते हो तो आप फिर से ये पॉइंट ला सकते हो ऐसे करके, तो ये 0.36 हो जाएगा. तो ये आप बिना देखे बिना करे लॉन्ग डिवीजन को भी आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो. और बाकी अगर लॉन्ग डिवीजन सॉल्व करना है तो ये आपके सामने है, आपको बहुत अच्छे से आता है लॉन्ग डिवीजन सॉल्व करना. 36 है जो कि 100 से कम है, एक जीरो लगाया 360 बना, फिर एक पॉइंट लगाया, ठीक है, फिर यहाँ पर हमने 3 लिखा, 300, 60 बचा, 60 बचा, फिर एक पॉइंट पॉइंट नहीं पॉइंट लगाया, एक जीरो बढ़ाया, फिर 6 से किया तो 600 होल डिवाइड हो गया. ठीक है, तो हमें ये बताना है इसमें डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा है, जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है बहुत अच्छे से. तीन टाइप के होते हैं, ठीक है. सबसे पहला होता है आपका टर्मिनेटिंग, ठीक है. दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. ओके, तीसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग. तीन टाइप्स से होते हैं, ठीक है. आपको बताया मैंने पिछले के पिछले लेक्चर्स में. तो आप अगर आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप मेरे पिछले लेक्चर प्रेफर कर सकते हैं. ओके, तो आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. तो जैसा कि आपको मैंने बताया ये लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व हो गया, आपका आ गया 0.36. ओके, ये होल डिवाइड कर रहा है पी को. पी क्या है, ये दिस फॉर्म इज पी एंड दिस फॉर्म इज क्यू. दिस इज इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर एक्चुअली. ओके, तो ये होल डिवाइड कर रहा है, ठीक है. तो ये हमें इससे पता चल जाता है कि ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट कर रहा है ये. तो आपको ये बताना है कि दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर. ओके, तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है, वो इरेशनल नंबर होते हैं, और जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो हमेशा रैशनल नंबर होते हैं. तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, क्योंकि टर्मिनेट हो चुका है, होल डिवाइड हो चुका है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से. एंड दिस कैन बी ऑल्सो एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू. ऑलरेडी इट इज given that in the form of p upon q in questions itself. okay, so this is a rational number. so now moving to the another questions, another part of this question, here it is given 1 upon 11 actually. okay, so after doing the long division we will see the quotient as in the form of 0.090909. so hame yahan par ye cheez dikh rahi hai ki 09 09 रिपीट हो रहा है. देखिए कैसे करते हैं इसको. देखिए वन है, वन इससे छोटा है, यहाँ पर जीरो लगाया, जीरो पॉइंट किया तो टेन हुआ, टेन अब भी इलेवन से छोटा है, तो फिर एक और जीरो लगा दिया तो ये 100 हो गया. ओके, तो इलेवन नाइन सा इलेवन नाइन यहाँ लगाया, इलेवन नाइन सा 99, तो फिर यहाँ वन बचा, ठीक है, वन बचा, और ये वन आप देख रहे हो फिर से आ गया, तो मतलब 0.09 है. उसके बाद फिर रिपीट हो रहा है तो फिर 0.09 होगा, फिर 09, फिर 09, ऐसे रिपीट होता है. तो यहाँ पर हम 09 पे बार लगा सकते हैं, मतलब दैट दिस नंबर इज रिपीटिंग. तो वी कैन इजीली से दैट दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि कभी टर्मिनेट नहीं होगा, और इरेशनल नंबर. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज रिकरिंग. रिकरिंग मीन्स रिपीटिंग, दिस नंबर इज रिपीटिंग कंटिन्यूसली. ओके, तो आपको ये कंसेप्ट तो पता चल गया होगा कि जहाँ से नंबर फिर वही रिमाइंडर में वही डिवाइजर आ जाए, ठीक है, तो हम वहां से वो नंबर क्वेश्चन के बाद जो भी लिखा होता है उसको रिपीट करने लगता है.
है, आइए इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। डोंट टेक टेंशन इन माय क्लास, एवरीथिंग विल बी क्लियर्ड विद मोर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ओके, सो दिस इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ मिक्स फ्रैक्शन एक्चुअली। ओके, दिस क्वेश्चन इज गिवन इन द मिक्स फ्रैक्शन। सो हाउ टू कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इन टू प्रॉपर फ्रैक्शन? तो 8 4 32, 8 4 32 +1, न्यूमरेटर को प्लस कर देते हैं, ठीक है, +1, दिस बिकम 33/8। सो इट इज कन्वर्टेड इन टू प्रॉपर फ्रैक्शन। तो नाउ दिस इज एज अ दिस दिस लुक लाइक एज अ प्रीवियस पार्ट्स एंड द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू रैशनल नंबर। ओके, सो वी कैन इजिली इवेल्युएट दिस रिजल्ट, दिस क्वेश्चन रिजल्ट। ओके, तो 33/8 हम इसको पहले डिवाइड कर देंगे, 33 बड़ा है, ओके हो जाएगा, 4 33 वन वन आया आपका, ठीक है, फिर 10 आया, एक पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, फिर 1 8, फिर 2 बचा, 2 में 0 लगाया, फिर 2 16, 8 2 16, फिर 4 बचा, 0, फिर 8 5 40, ये होल डिवाइड हो गया। दैट मीन्स दैट दिस इज टर्मिनेटिंग एंड रैशनल नंबर। ओके, टर्मिनेट हो गया यहाँ पर, अब आगे नहीं बढ़ रहा है, तो ये हमारा रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दिस दिस ऑल आर वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, आपको बस मेथड समझ में आना चाहिए, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब देखिए ये भी 3/13 के फॉर्म में दिया है, इसको भी आप सिंपली आप डिवाइड कर लीजिएगा, आपको ये वैल्यू मिलेगी, आपको करके भी यहाँ दिखाया, पर आपको इस वैल्यू के बाद नंबर रिपीट होता हुआ दिखेगा, वही रिमाइंडर आएगा जो आपका डिवाइजर था, ठीक है। तो आपका 3 डिवाइजर था पहले, ठीक है, इसमें हमने 0 लगाया तो 30 हुआ है, उसको करते 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 आपको 3 आ गया, वही चीज आ गई जो आपका डिवाइजर था। तो आपका मतलब यहां तक ये नंबर फिर से रिपीट होगा, मतलब 9 के बाद फिर 2 आएगा यहां से, फिर 3, फिर 0, फिर 7, फिर 6, फिर 9, ठीक है, तभी इस पर बार लगा है, ये फिर रिपीट होगा, फिर इसके बाद आएगा 2 3, ठीक है, आप समझ गए होंगे, ठीक है, ये नंबर करने के बाद आपको ऐसे दिखेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, एक तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि इस पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है, तो आपको पूरा होल डिवाइड करके देखना पड़ेगा, ठीक है, बहुत आप मतलब 10 स्टेप तक तो आप डिवाइड करो ही, 10 नहीं तो 8 तक तो करो ही, 8 से पहले हम आपको गारंटी देते हैं 100% कि आपका या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे वाला अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पार्ट हमारा ये कह रहा है कि 2/11 है, सिमिलर एज प्रीवियस पार्ट। ओके, 2/11, तो 11, 2 <2 is less than 11, एज द डिवाइजर इज स्मॉलर देन द डिविडेंड, सो वी पुट 0 पॉइंट पॉइंट एंड इट बिकम 20, एंड 20 11 वन 11 एंड इट गिव्स 90 9 आफ्टर सब्ट्रैक्शन। ओके, तो 90 हो गया, तो 11 8 88, 2 बचा, अब देखिए 2 फिर से रिपीट हो गया ना यहाँ पर, तो मतलब 1 8, फिर यहाँ पर 1 8, यही नंबर आपका रिपीट करता रहेगा। तो अब आई थिंक दैट यू वुड बी क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, 1 8 1 8 1 8, हम इसको 1 8 बार कर सकते हैं, ठीक है, बार मतलब रिकरिंग। सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एनीवेयर एंड इट इज रिपीटिंग ऑल्सो। ओके, तो ऐसे मैंने बहुत क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिए हैं, आपको इस फॉर्म में भी लाना हमने सिखा दिया है, मतलब पहले हम लोग ने क्या किया था, पहले हम लोगों को ये वैल्यू दी हुई थी, दिस वैल्यू, हमने उससे ये वैल्यू लाए थे। अब इस वाले एग्जाम्पल्स में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम प्रॉपर फ्रैक्शन रैशनल से हम लोग प्रॉपर डेसिमल मिला रहे हैं और बता रहे हैं कि कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, तो आपको दोनों तरफ से आइडिया क्लियर हो गया होगा, ठीक है, अब आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा इसका, ठीक है।
तो अगला पार्ट जो आपका 6 है वो आपका होमवर्क है, आपको होमवर्क में करना है, आपको कमेंट सेक्शन में हमें आंसर देना है। अगर आप बहुत ईगर लर्नर हो, ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपको इसका आंसर देना है, अगर नहीं आया समझ में तो आप सीधा लिख दीजिएगा एक्सप्लेन होमवर्क पार्ट। ओके, तो मैं आपको कमेंट सेक्शंस में एक आपको पिक या आपको नई वीडियो बना के आपको ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन से समझा दूंगा आपको, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 1/7 दिया हुआ है, इस पे 0.12857 इसकी वैल्यू दी हुई है। अब हमें ये प्रिडिक्ट करना है कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7 और 6/7 कैसा होगा, ठीक है, विदाउट डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। तो आपको इतना पता होगा, अगर 1/7 की वैल्यू ये दी है और ये रिपीट हो रही है 7 के बाद, तो आपको क्या समझ में आता है इससे कि अगर आपको 2/7 बनाना है तो डायरेक्टली आप इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2/7 बन जाएगा। आइए देखते हैं, हम आपको अच्छे से समझाते हैं, ठीक है, आइए देखते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो 1/7 × 2 करेंगे तो 2/7 हो जाएगा, मतलब जो 1/7 की वैल्यू है एक्चुअली, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो वैल्यू आएगी वो 2/7 की आएगी। तो इससे ये प्रूव होता है कि मतलब कि 1/7 की अगर वैल्यू दी है तो विदाउट यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड वी कैन प्रूव दैट 2/7 इक्वल टू 2.8 0.285714, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/7। ओके, सिमिलरली 1/7 की वैल्यू से अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/7 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू से अगर हम ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, ठीक है, बहुत सिंपल है। ऐसे ही 4/7, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/7 को, ठीक है। अगर आपने 4 को 1/7 की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया है तो आपको सीधा साधा 4/7 ही तो मिलेगा, कोई बड़ा इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, सिंपल है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो, आपको ये वैल्यू मिलेगी, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, 6 से मल्टीप्लाई करिए आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन पे हमें मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर एज सून एज पॉसिबल आई विल रिप्लाई योर कमेंट्स। ओके, सो आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। अब इस लेक्चर में मैं तीन या 3 या 4 क्वेश्चंस करवाऊंगा इस एक्सरसाइज के, और बाकी बचे क्वेश्चंस आई विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, क्योंकि आपके ऊपर कोई बर्डन ना है समझने में, आप आराम से समझ सको, ठीक है। मेन चीज है हमारी कंसेप्ट क्लियर होना, रटना नहीं, कंसेप्ट क्लियर होना, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हो गई तो आपको कोई पीछे नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। सीधा साधा एग्जाम्पल है जो कि हमें हमने आपको पिछले लेक्चर्स में समझाया है एग्जाम्पल से। ओके, तो रैशनल नंबर के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है, 0.6 बार दिया हुआ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.6666। आइए फिर से इस मेथड को समझते हैं। पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, जो भी नंबर दिया हो उसको एक्स के एज्यूम कर लो, ठीक है, आपने कर भी लिया वो चीज़, वेरी गुड। और आपको दूसरे स्टेप में आपको ये पता करना है कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो एक नंबर के ऊपर बार लगा है ना, एक नंबर रिपीट हो रहा है तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा इसको, ठीक है, एक्स को आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो 10x हो जाएगा, ठीक है। अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक पॉइंट राइट शिफ्ट हो जाएगा वन प्लेस से, 6.66 आ जाएगा, ठीक है। अब यही 10x को फिर से बराबर किया, अब इसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि एक नंबर वैसे ही आ जाए जो हमने एज्यूम किया था, ठीक है। तो हमें वैसे ही इसको ब्रेक करना है, आइए देखते हैं कैसे ब्रेक करते हैं, मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप पॉइंट्स के लेफ्ट में देखिए कितने नंबर है, 6। अब जो आपने एज्यूम किया था वहां के पॉइंट के लेफ्ट में देखिए यहाँ पर कितने, 0, ठीक है। तो आपको पूरा का पूरा 6 हटाना है, तो 6 आपने पूरा हटा दिया, अलग कर लिया, प्लस अब यहाँ 0 है, तो अब जब प्लस करोगे तो बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही रहने देना, 0.666, कोई चेंज नहीं। तो ये आपका वही नंबर आ गया जो आपने एज्यूम किया था एक्स, ठीक है। पॉइंट्स के बाद 666 है, पॉइंट्स के बाद भी
6 6 6 है, ठीक है। आप कुछ नहीं करना है, ऐसे ही रहने देना है। तो आप इसको x लिख सकते हो, x इधर जाएगा, 9x आएगा, 6 यहाँ बचा, x इज इक्वल टू 6/9। आफ्टर मोर इवेल्युएशन इट विल गिव 2/3। दिस कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, ओके, वेयर 2 एंड 3 आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। आई थिंक दैट आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो गया होगा ये एग्जाम्पल। मैंने इसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, 5 6 बार बता चुका हूँ। आइए फिर से एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आपको फिर से बताता हूँ। ये दूसरे टाइप का है। आप इसमें ये देखिए कि पार कितने, कौन से नंबर पे लगा है, 7 पे, एक नंबर है ना। सबसे पहला काम आपका, जो नंबर दिया है उसको एक्चुअल फॉर्म में लिख के उसको एक्स के बराबर कर लीजिए, ठीक है। 7 पे बार है तो 7 7 7 7 डॉट 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 लिख दीजिए पहले, ठीक है। आपने ये लिख दिया तो दूसरा मेथड हमारा क्या कहता है, दूसरा मेथड ये कहता है हमें उतने नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना है जितने नंबर रिपीट हो रहे हो, ठीक है। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। क्यों डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए पॉइंट के बाद एक नंबर छोड़ के दूसरा नंबर रिपीट हो रहा है ना। तो आप ये भी देखिए कि दूसरा नंबर ये जो रिपीट हो रहा है, ये जो पार्ट जो रिपीट हो रहा है, तो हमें पॉइंट जो पार्ट रिपीट हो रहा है वो भी याद रखना था। आपको मैंने पहले पार्ट में बताया था जो पार्ट रिपीट हो रहा है उसके बाद एक डेसिमल आना चाहिए, ठीक है। तो आप 10 से नहीं कर सकते, एक हो रहा है क्योंकि आप यहाँ पर आएंगे, पार्ट तो अभी रिपीट हो रहा है, एक पार्ट रिपीट हो रहा है उसके बाद एक नंबर बाद ही एक पॉइंट आना चाहिए। तो यहाँ 100 से करेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, अच्छे बात है ये क्वेश्चन आया, ठीक है। तो यहाँ 100x किया, तो अब देखिए 7 रिपीट हो रहा था, 7 के एक नंबर बाद ही पॉइंट आया, ठीक है। ये आपको और ध्यान रखना है, तीसरा पॉइंट, ठीक है। यहाँ से हमने तीसरा पॉइंट भी निकाल लिया। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाते हैं, हमारे डाउट क्लियर होते जाते हैं ना, तो इसी वजह एक कोटेशन बहुत मशहूर है कि दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ओके। तो इस पे हम पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर। फिर अब ये देखेंगे इसको किस तरीके से तोड़ें कि हमें ये वापस से ये नंबर मिल जाए। तो पॉइंट्स के बाद देखिए हमें 0 है 0 है, तो हम यहाँ पूरा 47 हटा देंगे, ठीक है। पर हमको लाना क्या है, 47 हटाने के बाद यहाँ पर 0.7 आ रहा है, पर हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, यहाँ पर 4 चाहिए ना पॉइंट के बाद। तो हम यहाँ से 3 हटाएंगे 7 से, तभी तो 4 बचेगा। तो 47.3 0.4777, ये हमारा इजीली आ गया है, इसको हम एक्स के बराबर ले सकते हैं। ये हमारा 47.3, एक्स इधर जाएगा 99x, इससे डिवाइड होगा तो ये पॉइंट हटेगा, 1 0 नीचे बढ़ेगा, तो ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। इसको आप प्रैक्टिस करते रहिए करते रहिए करते रहिए। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, 3 पॉइंट इस क्वेश्चन के। पहला पॉइंट, जो नंबर दिया उसको एक्स के बराबर लिख लो, एक्चुअल नंबर में जितने नंबर रिपीट कर रहे हैं वो नंबर देखो। और पहली पार्ट इस नंबर में, पहला पार्ट ये है कि जितने नंबर हैं वो देखो, एक नंबर रिपीट कर रहा है, अभी रुक जाओ। पर पॉइंट के बाद हमें देखना है कितने नंबर उससे पहले हैं, एक और नंबर है तो उसके बाद हमें एक और 0 लगाना है। पहले तो 1 एक नंबर रिपीट कर रहा था, 10 लिखा था, पॉइंट्स के पहले भी तो, रिपीटिंग नंबर्स के पहले भी तो एक नंबर है पॉइंट्स के बाद, तो इसमें एक और लगाना है, ठीक है। आप समझ रहे होगे मेरी बात कि हमें रिपीटिंग नंबर्स के बाद में एक पॉइंट लाना होता है। 4 रिपीटिंग नहीं है, 7 रिपीटिंग है, तो हमें 4 के बाद पॉइंट नहीं लाना है 10 से मल्टीप्लाई करके, हमें 7 के बाद लाना है, तभी हम लोग 47 एज अ ट्रीट करते हैं उसे। और फिर उसको ब्रेक करते हैं तीसरे पार्ट में, ब्रेक ऐसे करेंगे कि हमें वही नंबर मिले। तो पॉइंट्स के पहले देखिए 0 है, तो हमें पूरा हटाना है 47 यहाँ से, तो 0.77 बचा, ठीक है। 47 हटाने के बाद बचा कि नहीं बचा, तो हमें यहाँ पर 4 चाहिए इसकी प्लेस पे। तो पॉइंट के बाद हम लोग 3 भी हटा देंगे, जिससे कि 7 माइनस 3 4 बच जाए, तो पॉइंट के बाद 3 लगा देंगे और ये 0.4 बच जाएगा। तो ये हमारा एक्स हो गया, ठीक है। अब आप इसको नीचे एवेल्यूएट कर सकते हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आप आंसर ला सकते हैं, ठीक है। आप इसको अच्छे से समझिएगा, देखिएगा, ठीक है, आपको इससे मोर क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन है,
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके सामने आया है इस बार। ये क्या कह रहा है कि 0.001 रिपीट कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है ये पार्ट। तो इसको आप एक्चुअल फॉर्म में लिख लीजिए, पहला स्टेप आपका बराबर कर लीजिए एक्स या वाई के, जो भी आपको वेरिएबल लेना है। आप ये देखिए नंबर कितने रिपीट कर रहे हैं, 3 नंबर, क्योंकि पॉइंट के एग्जैक्ट बात ही रिपीट कर रहे हैं ना, तो आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। आंख बंद करके आप जितने नंबर पे हैं उस पर आप रिलाई कर सकते हैं। 3 नंबर रिपीट कर रहे हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई, 2 नंबर तो 100 से, ठीक है, इसमें 1000 से करना है। करने के बाद आपने 0, एक पॉइंट यहाँ आया, एक पॉइंट आया, एक पॉइंट आया, यहाँ पर 3 आ गए तो 1 आ गया, एक्चुअली 1 आया, 1.00, ये तो रिपीट ही कर रहा है। इसको आपको ब्रेक कैसे करना है, पॉइंट के इधर देखिए 0 है, यहाँ देखिए 1 है, तो आपको 1 पूरा हटाना है, अलग करना है। जब आप अलग करोगे तो फिर यहाँ पर 0.01 है, 0.01 है, इसको आप ऐसे ही छोड़ दो। जो आप 1 से माइनस करोगे, 1 यहाँ से माइनस करके बाकी एज इट इज ऐसे लिख देना, ये आपका हो जाएगा वही नंबर जो आपने एज्यूम किया था वाई, ठीक है। अब ये वाई हो गया आपका, वाई हो गया क्या आपका, फिर उसके बाद ये वाई इधर जाएगा, माइनस होगा, 1000 में 1 गया 999, ठीक है, और यहाँ 1, और इसे वाई को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे इजीली, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आपको क्लियर हो गया होगा, एक एक स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप ये देखिए, ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 0.99999 द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। तो क्या करना है, पहला स्टेप आपको एक्स के बराबर ले लेनी है ये वैल्यू, ठीक है। अब आप देख सकते हो पॉइंट के एग्जैक्ट बाद कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं, 9 कर रहा है ना, रिपीट 9 बार बार रिपीट कर रहा है, तो आप फॉर्म में देखना है, ठीक है। एक नंबर रिपीट कर रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई, तो 10 से मल्टीप्लाई कर लिया एक्स को, तो 9.9999, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद 10x, एक पॉइंट आगे आ जाएगा जब 0.99 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 को अलग करना है क्योंकि तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 9 है, तो पूरा 9 हमें 0 बनाना है, तो 9 को पूरा अलग करना है, एज इट इज लिख देना है, क्योंकि ये यहाँ से 999 रिपीट हो रहा है, यहाँ से हटा तो 0 हो गया ना, तभी यहाँ 0 लिखा, 0.9999, वो तो रिपीट ही करना है क्योंकि वहाँ भी रिपीट है, यहाँ भी रिपीट है। तो ये हमारा एक्स बन गया, हमें ऐसे लाना है कि ये जो एज्यूम किया था वही यहाँ पर आए, ठीक है। अब यहाँ पर भी एक्स है तो ये इधर माइनस होगा, 9x, 9/9 1, 1 को 1/1 भी लिख सकते हैं। तो दिस वी ऑल्सो हैव रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ओके ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियोस। सो इफ यू लव दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर एज मच एज यू कैन दोज फ्रेंड दोज हु आर इन नीड ऑफ दीज लेक्चर्स एंड वॉन्ट टू लर्न समथिंग न्यू प्लीज शेयर देम टू। ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग।